जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई बैठक में डीएम ने कहा कि बांध की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। खननकर्ता अपने निर्धारित क्षेत्र में ही खनन करे, बांध से पर्याप्त दूरी रखें। उन्होंने सभी एसडीएम को भी निर्देश दिया है कि समय समय पर खनन क्षेत्र का निरीक्षण करते रहें। उन्होंने कहा कि जिले में 13 स्थानों का खनन का पट्टा दिया गया है। खनन हेतु निर्धारित स्थल पर 4 पिलर लगाए जाएं तथा सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन की सूचना संबंधित थाने पर दें तथा एसडीएम को निर्देश दिया कि मौके पर जाकर अवैध खनन रोकें। इस दौरान ओवरलोडिंग भी रोकी जाए। अवैध खनन तथा ओवरलोडिंग रोकने के लिए प्रशासन का हर समय सहयोग किया जाएगा। डीएम ने ईंट भट्टा मालिकों से रॉयल्टी नियमित रूप से जमा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ईंट भट्टों पर पेयजल तथा शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा धनराशि से शौचालय निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा जल निकासी वृक्षारोपण कराया जाएगा। बैठक में सीडीओ अनुज सिंह, एसपी नॉर्थ रोहित सिंह चव्हाण, सीआरओ बलराम सिंह, एसडीएम गजेंद्र दिनेश, गौरव श्रीवास्तव, विनोद सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो ऑब्वियसली जो इलीगल वाले करते हैं वो आपके लिए हमेशा चैलेंज रहते ही हैं। वो तो जहाँ क्योंकि वो हमेशा से करते आ रहे हैं तो वो सक्षम होते हैं, तो इसलिए आप उस रेट पे बेच नहीं पाते हो, आपकी मजबूर होते हो अपना रेट कम कर देते हो, तो आपके लिए मेजर चैलेंज है। तो आप लोग को सूचना देनी पड़ेगा। आप लोग को सूचना अगर पहले आप एसडीएम को और संबंधित थानों को और हायर अप सब दे दीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं कि उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर आप उसके बाद आप और ऊपर आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी एसडीएम से तहसीलदार हैं, सब लोग कार्रवाई करेंगे। अगर आप इलीगल के बारे में आप बताते हैं तो कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात ये कि इलीगल स्टार्ट होने के पहले ही अगर सूचना मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि स्टार्ट करने के पहले घाट पर वो तमाम तरह के काम करता है। पहले वो एक रास्ता बनाता है जिसमें से ट्रकें निकल जाए, क्योंकि काफ़ी नदी के किनारे की ज़मीन भी थोड़ी दलदली होती है, तो वो उस पर काफ़ी होमवर्क करता है। लगभग 15-20 दिन का वो पूरा होमवर्क होता है जो उसके पहले वो करता है, तब जाके वहाँ से गाड़ियाँ निकालने लायक होती। तो आप लोग को उसी समय इन्फॉर्म करना चाहिए। उस समय हमारे हमारे गोला तहसील में गोला तहसील में इसमें देखिए ऐसी माइनिंग की तैयारी करता है, तो उसके पहले वहाँ पे वो जमीन आप वहाँ पे उस समय जो एक दो ट्रॉलियाँ पकड़ने से नहीं होगा, उसने जो पूरा जो रास्ता जो डेवलप किया आपको उसे नष्ट करवाना पड़ेगा। जब तक आप उसको उस एरिया को जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। दूसरी बात मेरा तो ये मानना है कि आप उस पर कार्रवाई कीजिए थोड़ा सख्त की, सिर्फ आप आने में बस बंद कर देंगे उसके बस मोटर व्हीकल एक्ट लग के बस बंद हो जाएगा, फिर उसकी कंपाउंडिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत चीज जाएगी वो दोबारा करेगा। इसीलिए जब आप लोग जब सपोर्ट भी दीजिए तो उसमें उसमें सब कुछ लगाइए, उसमें आप खनिज की चोरी लगाइए, उसके बाद उसमें जो उसका जो ट्रॉली का जो यूज़ करता है पीछे वाला, अगर वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए कर रहा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आप ये भी लिखिए कि वो उसके बिना रजिस्ट्रेशन के कर रहा है, जैसे कि थाने से अगर वो छूटेगा सिर्फ उसका ट्रॉली छूटेगा, उसके पीछे का वो जो ट्रॉला होता है वो नहीं छूटेगा, वो भी उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसके रजिस्ट्रेशन में कितना लगता है, जबकि ट्रॉली अकेले बनाने का उसका 50,000। तो आप उसमें जब भी आप कीजिए तो उसके ऊपर इस तरह से उसका सीलिंग कीजिए कि वो एक डीमोटिवेट हो, ऐसा ना हो। जहाँ तक आपका उन्होंने कहा था ये रेट होना चाहिए, तो हम लोगों ने कहा था ठीक है सर होगा, थोड़ा सा हमको आपको हेल्प ये करनी पड़ेगी, उसी के आधार पर सर हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि घाट में ऐसा ट्रॉली के हिसाब से देखेंगे तो 3500 रुपये ट्रॉली की वैल्यू आ रही है। ये खनन अधिकारी ये बताओ ईंट का ईंट भट्टे वाले को भी सीएसआर का कुछ पोर्शन होता है? कितने जमा 10%, ठीक है सर। तो डिस्ट्रिक्ट मंडल फंड में कितने पैसा है? कम बता रहे यार, ईट भट्टे वाले सब जमा कर दिए हैं समाधान योजना के अंदर, करीब 80% जमा हो गया, बाकी रह गया।
अभी भट्टे वाले का एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, जमा कसम जब बैंक में जाते हैं, इंडियन बैंक में आपका खाता गुजरात भर का खुला हुआ है, जैसे डीएमएफ के नाम से खोला गया है, ये लोग जब वो स्लिप जमा करने जाते हैं बोलते हैं कि चलान हो जाए, जब कोई हेड ही नहीं है तो चलान तो किस बात की है। एलियन से बात करा लेना नहीं डालती है, ये नहीं जमा कर हम तो, नहीं तो आपसे सुजारी करते ही हैं, पहले जमा कर देना। सर एक सर एक प्रॉब्लम है उसमें, देखिए हम लोग लीज पे जमीन लेते हैं और जमीन वाला कहता है कि यह फिक्स काम क्यों करवा रहे हो, नहीं करने देंगे हम, समस्या कई तरह की आती है। आपका कितने साल चलता है एक जगह एक्सपायर्ड यदि चिंतागन कर लिया पर फिक्स मनी आपको 10 साल 15 साल 20 साल 15 साल तो चलता है।